अस्सलाम वालेकुम डियर्स पेरेंट्स, आज हमारा टॉपिक नंबर जो है वो आईजे उनके आज हमने डिस्कस करना है। जो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है आई, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें है कि पाकिस्तान एंड इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन ग्रोइंग एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी और वॉर ऑन टेरर। पाकिस्तान जो है वो हर जगह जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो पाकिस्तान प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग सेवरल इम्पोर्टेंट ग्लोबल इश्यूज, जिसमें पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, ग्रोइंग एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी और वॉर ऑन टेरर जो है, इस पे जो है पाकिस्तान ने भी काम किया है इन चीज़ों पे। और फर्स्टली जो है फेस भी पाकिस्तान को ही करनी पड़ी, क्योंकि वो जो है वो जहाँ से टेरर स्टार्ट हुआ था वहीं पर से, मतलब कि अफगानिस्तान के साथ ही नेबर्स हैं। सबसे पहले पैलेस्टाइन इशू, पाकिस्तान ने जो है वो पैलेस्टाइनियन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, सेल्फ डिटर्मिनेशन और कुछ मतलब कि दूसरी चीज़ें, जैसे कि पैलेस्टाइनियन को जो है वो इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, उनको एज ए स्टेट जो है उनके राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। फिर आता है कि पाकिस्तान ने जो है बहुत ज़्यादा इनके लिए जो फ्रीक्वेंटली जो भी इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे भी रेज़ किए हैं कि पैलेस्टाइन, और जिस तरह से जो हमने पिछली वीडियो में कश्मीर का भी डिस्कस किया था, यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान पैलेस्टाइन के लिए बात करता है। और इसके बाद जो है मतलब कि इजरायली ऑक्यूपेशन के बारे में भी वो बार बार रिमाइंड जो है वो करवाता रहता है यूनाइटेड नेशंस को, और जो है ताकि मतलब कि पैलेस्टाइनियन को भी पीस, उनके यहाँ पीस इस्टेब्लिश हो। और जो भी इनकी 1967 से लेकर बॉर्डर के प्री बॉर्डर्स के इश्यूज चल रहे हैं, इनके इन पर भी ये जो है पाकिस्तान जो है उन पर बात करता रहता है। मतलब कि पाकिस्तान ये नहीं कहता कि सिर्फ जो है मुसलमानों पर, ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस में जो है तकरीबन दो बहुत ज़्यादा जो इश्यूज होते हैं कंट्रीज़ के, जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, तो वो सारे जो है वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की बात नहीं करें, जब भी कश्मीर डिस्प्यूट और पैलेस्टाइन इशू की बात होती है, तो यूनाइटेड नेशंस को यहाँ पे जो है वो ह्यूमन राइट्स नज़र नहीं आते, बस वो सिर्फ बातें करके और जिस तरह से टाल मटोल की जाती है, तो ये इन चीज़ों पे बात नहीं करते। ये भी इनके पीछे भी उनके कुछ रीजंस हैं कि फॉर एग्जाम्पल मतलब कि इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा जो हथियार जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को प्रोवाइड करता है, और यूनाइटेड स्टेट जो है वो लोन्स और दूसरी जो भी इन्वेस्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि फंड्स देते हैं। तो उन्हीं की वजह से जो है वो अपने अपने जो है इस इंटरेस्ट को देखकर वो इन दो जो इश्यूज हैं उन पे बात नहीं करते। फिर है ग्रोइंग एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी। एक्सट्रीमिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर, और जो भी मिलिटेंसी है वो बढ़ जाने पर पाकिस्तान क्या करता है वो देखते हैं। एक्सट्रीमिज्म जो है वो बढ़ जाने के बाद, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाने पर पाकिस्तान जो है वो अपनी मिलिट्री की जो है वो बॉर्डर्स पे बढ़ा देता है, ताकि वो उसकी सेफ्टी हो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो उसकी सिक्योरिटी ही है। फिर जो है पाकिस्तान जो है दोनों चीज़ें बन जाता है, कभी वो विक्टम बन जाता है और कभी वो बैटल ग्राउंड पे एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स का मतलब शिकार भी हो जाता है। पाकिस्तान ने जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की हैं, जिसमें से मिलिट्री ऑपरेशंस भी चलाई हैं, ताकि वो एक्सट्रीमिज्म और इन चीज़ों पर काबू पाया जाए। और इसके बाद जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी की है, और रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स भी बनाए हैं, ताकि रिहैबिलिटेटिंग फॉर्म में मिलिटेंट्स प्रोग्राम्स भी बनाए, ताकि जो ओवरऑल जो है पाकिस्तान ओवरऑल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाह रहा है, क्योंकि वो मुसलसल प्रॉब्लम से लड़ता आ रहा है, तो उसको सोल्यूशन भी जो है वो अपना खुद ही निकाल लेता है। फिर आता है एट द एंड अकॉर्डिंग टू योर सेलेबस वॉर ऑन टेरर। वॉर ऑन टेरर को भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा 2001 से लेकर फेस किया है, जिसमें से पाकिस्तान इज़ अ वाइटल एलाय इन द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। वो वाइट पाइवोटल एलाय था कि उसको ज़बरदस्ती भेजा गया था कि वो लड़े बाकायदगी से किसी की तरफ से। इट हैज़ अ कोलेबरेटेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर नेशंस टू टारगेट टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अलकायदा और तालिबान
जो है वो उन्होंने टारगेट किया था। दिस कॉपरेशन हैज़ इन्वॉल्व मिलिटेंसी ऑपरेशंस जो पाकिस्तान को करनी पड़ी, ड्रोन स्ट्राइक्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हैं वो सारी इन्वॉल्वमेंट इनकी भी करनी पड़ी। ऑल्दो इट ऑल्सो लेड टू इंटरनल स्ट्राइव एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो पाकिस्तान को भी जो है वॉर ऑन टेरर की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं वो फेस करने पड़े, कि मतलब अपनी ही कंट्री को सारा जो है वो थ्रेट में डालना पड़ा। थ्रू इट्स इंगेजमेंट विद दीज इश्यूज़ पाकिस्तान रिमेन्स अ की प्लेयर ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। तो इससे जो है पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा साल लड़ के भी इंटरनेशनली अपना स्टेज जो है कि मतलब वाहिद मुल्क था जो जिसने इन खतरों को जो है वो कम्प्लीटली उनसे लड़ा और कामयाबी हासिल की। फिर स्ट्राइविंग टू कंटिन्यू टू ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी वाइल एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स डोमेस्टिक एंड रीजनल चैलेंजेस। पाकिस्तान ने जो है वो एक बहुत ही जो वॉर ऑन टेरर की वजह से जो 16 दिसंबर का वाकया था जो APS पे हुआ था, तो वो भी जो है इन्हीं चीज़ों की वजह से पाकिस्तान को जो है वो फेस करना पड़ा था। फिर आता है हमारा टॉपिक नंबर J कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्या है, उसको डिस्कस करते हैं अभी। तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो जो है हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना वो थोड़ा सा देर से बना, क्योंकि मैंने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है उसे फेस करनी पड़ी थी और थोड़ी सी सुस्ती भी जो है इसकी वजह है। 1956 में जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 4 सालों के बाद, कंट्री के बनने के बाद इंडिपेंडेंस ब्रिटिश कॉलोनियल से जैसे हुई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1956 का बना। उसके बाद जो है पाकिस्तान को जो है एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से कहते हैं कि वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट उसकी मतलब बनी, जिसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंट्री का हेड होगा और गवर्नमेंट का हेड होगा और प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट कहा जाएगा। इसके बाद जो है थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बना जो 1973 में अडॉप्ट किया गया, और उसके कुछ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स भी की गई थी और इसमें जो है पॉलिटिकल फैक्टर्स भी जो हैं कुछ डाले गए हैं, और उसी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी हुए जो हम आप दूसरी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो देख लें अगर आपने नहीं देखी तो। और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है हमारी। फिर आता है हमारा टॉपिक लास्ट जो हमने आज वीडियो में इसमें डिस्कस करना है, वो है टॉपिक नंबर K पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस। पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो पाकिस्तान की हुई उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें से जो है कुछ जैसे कि हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी फेस की, अब जो है वो कैसे फेस की तो वो थोड़ा सा देखते हैं। पॉलिटिकल एवोल्यूशन पाकिस्तान की जो है 1971 से लेकर हमने डिस्कस करनी है, जिसमें जो है वो सारी सीरीज चलती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए और डेवलपमेंट्स भी हुई स्टार्टिंग में 1971 से, और इसके बाद जो है पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो चेंज अप्स एंड डाउन जो है वो भी आते गए। भुट्टो के टेन्योर को हम देखते हैं, भुट्टो के टेन्योर में उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए, जिसमें वो जो थे ह्यूमन राइट्स को ही अगर कहा जाए तो वो नेशनलाइजेशन को जो है वो प्रिवेल कर रहे थे, और उसके उनके की फैक्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा की फैक्टर्स भी थे जिसमें से वो इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे, और इसके अलावा जो है एडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो उन्होंने स्टार्ट की। तो भुट्टो के टेनर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, जिसमें जो है उन्होंने जिस तरह से अगर न्यूक्लियर का भी कहा जाए तो भुट्टो ने ही कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम बॉम बनाएंगे, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी का जो है वो हमें थ्रेट है। तो बहुत ज़्यादा जो है रिफॉर्म्स इस दौर में भी आई, और 1977 से जिस तरह से जनरल ज़ियाउल हक ने भी जब उनको जब वो पावर में आए मिलिट्री ग्रुप के ज़रिए, तो उन्होंने भुट्टो को हटा दिया और भुट्टो से जो है वो पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये जो कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कि
ये जो भी मिलिट्री कोप्स थे वो अपने पावर जो है वो अपने पास करके और दूसरे से जैसे सिविलियन गवर्नमेंट थी वो उनको पावर से हटा देते थे। और 1999 में जब जनरल मुशर्रफ ने पावर जो है वो अपनी तरफ किया और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से पावर जो है अपने पास कर लिया। तो ये जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन है 1971 से लेकर जो जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स जो है मतलब कि मिलिटेंसी जो है ग्रुप वो अपने पास पावर कर लेते हैं और जो मुल्क की बागडोर वो संभाल लेते हैं। तो जैसे पहले भी मैंने वीडियो में कहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब कि पॉलिटिक्स जो है वो मिलिट्री का काम नहीं है, वो उनका काम सिर्फ डिफेंस करना है तो वो डिफेंस की तरफ जाएं। बाकी जो है मतलब कि जिनको पता है कि पॉलिटिक्स कैसे करनी है और पॉलिटिकल इश्यूज किस तरह से रिजॉल्व करने हैं तो वो उन पे ध्यान दें। सो ये जो हिस्ट्री थी इसमें सिर्फ फैक्टर मेन यही था कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्यों प्रॉब्लम या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों हुई। बस ये जो कुछ टेन्योर्स जिसमें से जनरल जियाल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ और अयूब खान इन्होंने जो सीरीज अपनी स्टार्ट की तो उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है पॉलिटिक्स जो है ओवरऑल अप्स एंड डाउन्स के शिकार है। ये हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।